त्योहार पर अचानक रेलवे ने कुछ ट्रेनें बंद कर दी, जिसकी वजह से सैकड़ों यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। त्योहार मनाने लोगों को अपने घर आने में समस्या आई। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नाम पर निंदा प्रस्ताव लिखा। प्रस्ताव में भेदभाव का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द ट्रेनों को बहाल करने की भी मांग की। होली के त्योहार पर सभी अपने परिजनों से मिलने एक साथ त्योहार मनाने घर जाते हैं, मगर रेलवे की लापरवाही की वजह से कई लोग इस बार घर नहीं जा पाए। वजह थी कई ट्रेनों का अचानक बंद किया जाना। रेलवे की लापरवाही से सिंगरौली के प्लेटफॉर्म पर कई ट्रेनें नहीं पहुंची, जिससे जनता को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसी मुद्दे को लेकर सिंगरौली में दर्जन भर कांग्रेसियों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नाम निंदा पत्र लिखा। निंदा पत्र में कांग्रेसियों ने साफ लिखा कि सिंगरौली वासियों से केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। जहां एक और NH-39 की हालत बद से बदतर है, वो चलने योग्य तक नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर त्योहार के समय ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। सरकार द्वारा इस समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेसियों ने अपने पत्र के माध्यम से यह भी मांग की है कि भोपाल दिल्ली के लिए प्रतिदिन ट्रेन का परिचालन सिंगरौली से प्रारंभ होना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने यह पत्र स्टेशन मास्टर को सौंपा। इस मौके पर युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। होली के पावन पर्व पर जब लोगों का व्यापक पैमाने पर आवागमन रहता है, ऐसे समय में जो इस जिले को जो ट्रेनें जोड़ती हैं या इस जिले से जिन ट्रेनों का परिचालन है, रेलवे मंत्रालय द्वारा उक्त ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है, जिसके विरोध स्वरूप आज हम सब कांग्रेस जनों के द्वारा सिंगरौली जिले की स्थिति आवागमन को लेकर के बहुत ही दयनीय इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कर दी गई है। जहां पर त्योहार के समय स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती थी, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्पेशल ट्रेन चलाना तो दूर, जो ट्रेनें चल परिचालन हो रही है उसको भी बंद करने का काम किया है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।